सिल्म साड़ी पहनने के लिए बहुत ज़रूरी है आप अपने पेटीकोट का नाड़ा टाइट रखिए। उसके बाद आप जब साड़ी पहने तो उसे थोड़ा सा खींच के ते हुए पहनिए। और देखिए जब आप प्लेट बनाए, प्लेट बनाने से पहले आपको जब साड़ी आगे की तरफ लाए तो आप इसे थोड़ा पेट की तरफ से लाते हुए इसे अच्छे से खींच के लीजिए और पिनअप कर लीजिए। इस तरह आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद बैली बटन से थोड़ा सा आगे की तरफ आप मेज़र लीजिए प्लेट बनाने का और इसमें छोटी छोटी प्लेट बना लीजिए। पूरे कपड़े की हमें प्लेट ही बनानी है। जब हमारे पूरे कपड़े की प्लेट बन जाए तो हमें उसको अपने बिल्कुल नीचे ज़मीन से टच करते हुए लेंथ रखनी है और प्लेटों को बिल्कुल बराबर करते हुए इन्हें टक कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जब हमारी साड़ी के प्लेटें टक जाए तो हमें कुछ कपड़ा साइड में बचा हुआ मिलेगा जो इस प्रकार दिखने में। अब हमें ये सारा कपड़ा पीछे की तरफ ले जाना है खींच के। इस तरह से हमें बिल्कुल इसे बैक साइड ले जाना है इस तरह से गाइस। इस तरह ये होने के बाद हमें अपनी प्लेटें ठीक कर ले। उसके बाद मैं इनको पिनअप कर लेती हूँ साड़ी की पिन से ताकि मेरी प्लेटें इधर उधर ना हो। आप नीचे से जब भी आप साड़ी पहने तो आप इस तरह पहनिए, आपकी साड़ी एकदम स्लिम पहनी जाएगी। और अब आप देखिए इस साड़ी का लुक कितना स्लिम आया है, आप देख सकते हैं। जब भी आप साड़ी पहने तो इस तरह पहनिए, एकदम स्लिम लुक बना रहेगा साड़ी का। ये देखिए गाइस, अब मैं आपको अगली बताती हूँ पल्लू टकना। पल्लू टकाने के लिए हम मैंने यहाँ पे सबसे पहले सेफ्टी पिन से अपने ब्लाउज़ में एक बिल्कुल सीधे तरीके से पिनअप कर ली है। उसके बाद मैं हल्के छोटे छोटे प्लेटें बनाने स्टार्ट करती हूँ पल्लू को पकड़ने के बाद और इनको फिनिशिंग देते हुए नीचे तक ले आती हूँ। और इसके बाद मैं इनको अपने कंधे पर रख लेती हूँ कि मुझे कितना पल्लू चाहिए उस हिसाब से, और फिर मैं इनको अपने कंधे पर टक कर लेती हूँ साड़ी को थोड़ा खींचते हुए, फिटिंग में खींचते हुए इस तरह से गाइस। जब आपकी साड़ी ठीक लगे तब आप इसे पिन की सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लीजिए और आगे की तरफ ठीक करते हुए एक सेफ्टी पिन से आप इनकी जो प्लेटें हैं उनको सिक्योर कर ले ताकि प्लेटें इधर उधर न हो, पिन लगने के बाद वो अपनी जगह पर बनी रहे कुछ इस प्रकार से। ये देखिए गाइस, आपको इसमें सबसे मेन ये है कि जो आपको पल्लू लेना है वो एकदम कंधे के ऊपर छोटा ही रखना है, बड़ा हमें नहीं रखना, तभी आपकी साड़ी स्लिम दिखेगी इस तरह से। आप देख सकते हैं मेरी साड़ी का लुक कितना स्लिम आ रहा है, देखिए गाइस एकदम स्लिम साड़ी। बस आपको ध्यान यही रखना है कि आपका जो कंधे के ऊपर मेज़र है वो एकदम कंधे से बाहर नहीं जाना चाहिए और ये चीज़ है वो एकदम फिटिंग कसी होनी चाहिए और बैली बटन की तरफ से एकदम फिट होनी चाहिए साड़ी इस तरह से। आप देख सकते हैं इस तरह से आप साड़ी पहनेंगे तो आपकी साड़ी एकदम पहनने के बाद आप काफ़ी हद तक आप साड़ी में स्लिम देखोगे। सो गाइस, मैं आपको अगले आइडिया पर लेके चलती हूँ। मेरा अगला आइडिया है आप बिल्कुल पल्ले को सीधा कर लीजिए और उसके बाद आप एक पिन अपने कंधे पर टकाइए इस तरह से और ये आपको खींचते हुए लेके जाना है थोड़ा। जब आपकी पिन सेफ्टी पिन कंधे पर टक जाए तो आपको बाकी जो साड़ी है उसमें छोटी छोटी प्लेट बनाते हुए अपने हाथ को इस तरह से ऊपर लेके जानी है हाथ के ऊपर से। और इसके बाद मैं इसको नीचे से ठीक करते हुए इसको थोड़ा सा अपने फिनिशिंग का लुक देते हुए, फिगर लुक देते हुए मैं इसको दूसरी पिन की हेल्प से यहाँ से इसको टक कर लूँगी कुछ इस प्रकार से। जब मेरी पिन यहाँ से टक हो जाएगी तो ये ऊपर की जो साड़ी रहेगी उसको भी मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से ठीक कर लूँगी। सो गाइस, वो ठीक होने के बाद आप देखिए इसका लुक कितना प्यारा लुक आया है। और इसमें मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे साड़ी में मुझे बहुत कंफर्ट फील हो रहा है ऐसे साड़ी पहनने के बाद।
और इस तरह साड़ी पहनने के बाद अच्छा फील हो रहा है, और आप देख सकते हैं इसका लुक। और शादी फंक्शन में आप इस तरह साड़ी पहनिए, और नाचने डांस करने में भी ऐसा आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत कंफर्ट फील होता है अपने आप को उस साड़ी को पहनने के बाद। सो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई